गाइस को दिल्ली में सर्दी पड़ रही है बहुत ज्यादा, बट मैं बैठा हूँ टी शर्ट में क्योंकि मैं लेके आया आपके लिए एकदम ऐसा गर्मा गर्म WTF न्यूज का पूरा पुलिंदा कि भैया क्या चल रहा है टेक की दुनिया में। आप करते हैं लाइक और शेयर और हम पता लगाते हैं आखिर हुआ क्या पिछले हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में, यू नो कौन कौन से इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखने को मिले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहली खबर निकल के आती है नेटफ्लिक्स की दुनिया से, जहां पे अभी अगर आप यूज करते हैं अपने आईफोन में इसी की ऐप को तो आपको भी एक नया अपडेट मिल चुका है जहां पे भैया नए एनिमेशंस आ गए हैं, नए ट्रांजिशंस आ गए हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। पंगा पता है क्या है कि वो जो एड सपोर्टेड था ना सिस्टम नेटफ्लिक्स का, वो अभी तक नहीं आया है। तो अगर आपको इस ऐप को यूज करना है तो हर महीने जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। और यार इन ऐप्स का मतलब क्या बोले यार, मतलब बार 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 एक अपडेट आ गया फिर एक और आ गया फिर एक और आ गया, मतलब एक बार I think साल में अपडेट आना चाहिए और एक साथ रहो सारे फीचर्स को अगर ऐड कर दोगे तो I think उससे बढ़िया क्या होगा यार। मैं देखो सैमसंग की तरफ से जो है वो खबरें निकल के आई हैं ऐसी ढेर सारी भर भर के, क्योंकि सैमसंग जो है वो भर भर के चारों तरफ चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि 1 फरवरी को होने वाला है अनपैक्ड इवेंट, जहां पे सैमसंग अनपैक करने वाला है लेटेस्ट बहुत सारे डिवाइसेस को। ऑफकोर्स यहाँ पे गैलेक्सी S23 सीरीज तो होगी ही, लेकिन साथ में कुछ और चीजें भी होंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसी S23 की, तो होने वाला है भैया 200 मेगापिक्सल का ब्रांड न्यू कैमरा, बिकॉज जो सेंसर है वो पहले सैमसंग ने अनवील कर दिया है और ये है सैमसंग का लेटेस्ट HP2 कैमरा सेंसर। इसका मतलब टनाटन। आई मीन फोटोग्राफी लगता है एकदम ऐसा नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। और वैसे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, तो भाई देखो अभी के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट S23 सीरीज, बट लीक्स जो है वो ऑलरेडी आ गई हैं S24 की, कि अगले साल जो है वो सैमसंग केवल 2 फोन्स निकालेगा, S23 और S23 अल्ट्रा। S24 एंड S24 अल्ट्रा, भाई गलती हो जाती है इंसान है आफ्टर ऑल हम। लेकिन मजे की बात की जो बीच में प्लस वाला सिस्टम है ना वो निकल जाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार ज्यादा लोगों से उसमें इंटरेस्ट रहता नहीं है। और इसके अलावा यार लीक्स तो यार ये भी आ रहे हैं कि जो अभी अपकमिंग सैमसंग का Z Fold 5 लाइनअप होने वाला है उसके अंदर एक नई रीडिजाइंड हिंज भी होगी। तो मतलब सैमसंग लगता है कि बहुत सारे काम करने वाले। और जहां तक आपसे बात कर रहा था कि और एक्स्ट्रा क्या मिलेगा इसी अनपैक्ड इवेंट में, तो सैमसंग का जो गैलेक्सी बुक 3 लाइनअप है वो आने वाला है। तो मतलब मोबाइल फोन्स भी होंगे, लैपटॉप्स भी होंगे, देखते हैं वैसे कि ये जो आइटम्स हैं ये हमको इंडिया में कब और किस कीमत पे देखने को मिलेंगे। तो मैं देखो सैमसंग की बात हो गई है तो एप्पल की बात करते हैं, मतलब कभी सैमसंग एप्पल के पीछे, कभी एप्पल सैमसंग के पीछे, कभी दोनों एक दूसरे के पीछे। और यहां पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं एप्पल की खबरों के बारे में, तो मतलब चाइना में जो पूरा सीन चल रहा था यार ये प्रोटेस्ट वगैरह का, यहाँ पे अभी एक आफ्टर इफेक्ट में देखने को मिला है जहां पे फॉक्सकॉन ने इनके चाइना वाले बिजनेस चीफ को बोल दिया है टाटा बाय बाय खत्म हो गया रिश्ता हमारा एकदम गेम ओवर। मजा आया क्योंकि यार ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा नेगेटिव पीआर था और सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा खराब थी। और इसी के चलते अभी लगता है कि हमारा यू नो इंडिया में फायदा होने वाला है, बिकॉज एप्पल ने डिसाइड ये किया है कि जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और इनफैक्ट यू नो रिपोर्ट तो ये बोलती है कि 2027 तक दुनिया भर में आधे से ज्यादा आईफोन्स जो हैं वो इंडिया में बनेंगे। यार इट्स अ वेरी गुड न्यूज। और अगर हम बात करते हैं गुड न्यूज की, तो देखो एप्पल की तरफ से जो है वो नए नए प्रोडक्ट्स हमको मिल चुके हैं। अगर हम बात करें मैक की, तो यहां पे आ गई है एप्पल की नई नई M2 प्रो और M2 मैक्स चिप्स। कमाल परफॉर्मेंस, कमाल यू नो ताकत लिए आई है अपने साथ में और यहाँ पे लेके आई है ये नए नए प्रोडक्ट्स, जहाँ पे सबसे पहले है एप्पल का ऑल न्यू मैक मिनी। इसके अलावा आपको यही दोनों ताकतवर चिप्स मिलने वाली हैं मैकबुक प्रो 14 और मैकबुक प्रो 16 इंचेस में। अब ये ताकत जो है ना इसके लिए आपको कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। और इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं टॉप ऑफ द लाइन मैकबुक प्रो 16 इंचेस की, तो ये 6 लाख से भी ज्यादा महंगा है, जहां पे आपके पास में होगी 96 GB रैम और 8 TB की SSD। भाई क्या करेंगे इतनी रैम का। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर देखो ये सारी बातें अच्छी चल रही हैं, एप्पल इनफैक्ट जो है वो अपना अभी होमपॉड भी लेके आ गया है सेकंड जनरेशन वाला, 32,900 रुपए का ये प्रोडक्ट है, अगेन आपको अच्छा म्यूजिक का मजा देगा। बट इन सभी अच्छी बातों के बीच में एक नेगेटिव चीज जो है वो हमको ये पता चलती है एप्पल के बारे में कि US में एप्पल को झटका लग सकता है एप्पल वॉचेस को लेके, बिकॉज अभी कुछ पेटेंट का वहां पे इशू चल रहा है और ऐसे में हो सकता है कि US में कुछ यू नो सेल्स बैन वगैरह या यू नो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। तो यहां पे एक तरफ गुड न्यूज भी है, एक तरफ थोड़ी सी बैड न्यूज भी है। दुनिया में थेनोस की बोले तो बैलेंस एकदम ऐसा लगता है बराबर बना हुआ है। गाइस अगला WTF जो है ना वो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में इकट्ठा हो गया है, बिकॉज़ यू नो अगेन हम हर रोज सुनते रहते हैं कि भैया ये फोन लीक हो गया, ये फोन ऐसा है, वो फोन ऐसा है। और अक्सर
क्या ही बोले कि डब्ल्यूटीएफ यार, ब्रांड्स को कई बार जो है वो खुद को जानबूझ के फायदा मिल जाता है ऐसी पब्लिसिटी का, जहां पे अभी काफी लीक्स निकल के आए हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो है मोटोरोला का एज 40, ये ऑफ कोर्स होने वाला एकदम ऐसा फ्लैगशिप फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 वगैरह के साथ में। इसके अलावा मोटोरोला के ही G53 और G73 भी लीक हो गए हैं, ये थोड़े से ऐसे मिड रेंज वाले फोन होने वाले हैं। OnePlus फैंस के लिए खबर आती है OnePlus Nord CE3 को लेके। Nord 3 तो नहीं आया अभी तक, Nord CE3 जो है वो भी लीक हो रहा है भाई। और इनफैक्ट यहाँ पे अगर आपको फ्लिपिंग या फोल्डिंग वाले फोन्स पसंद है तो Vivo का अभी X सीरीज के अंदर एक फ्लिप फोन जो है वो भी लीक हुआ है। तो मतलब बहुत सारी चीजें लगता है हमको फ्यूचर में मिल जाएंगी। अगेन बजट तो लेकिन एक ही फोन लेने का है ना, तो बस लीक्स देखें खुश हो जाएं, लॉन्च इवेंट देखें खुश हो जाएं। अगर आप एक टेक फैन हैं तो लगता है मजा ऐसे ही उठाना पड़ेगा। दोस्तों अगला WTF हुआ है भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में। मतलब देखो कई बार ना ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में हम सब फंस जाते हैं और यहाँ पे फंस गए US में एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लोग AI की मदद से अपने असाइनमेंट्स बना बना के सबमिट कर रहे थे। और AI बोले तो ChatGPT, मतलब देखो जब से लॉन्च हुआ है तब से आप जानते हैं भैया चारों तरफ जलवा है इसका, और आप जो चाहें वो ये करके आपको देता है। और खासकर स्टूडेंट्स जो बहुत फायदा इसका उठा रहे थे, लेकिन प्रोफेसर जो है थोड़े स्मार्ट निकले और जिन लोगों ने नकल में अकल नहीं लगाई उन सबको पकड़ लिया। और यहाँ पर दोस्तों ये थे 1/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा नंबर है यार। और यहाँ पे अगेन मतलब देखो बचपन में हम सब ने जो है वो कितनी किसी की हेल्प ली है घर में, बड़े भाई बहन की, पापा मम्मी की। कई लोग तो जो है पैसे देके अपने असाइनमेंट्स करवाते थे और कई लोग थे प्रोफेशनल जो एक काम किया करते थे, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। तो मतलब देखो वो जमाना आज एक अलग था, लेकिन अभी की डेट में जो AI है ना इसने चारों तरफ सभी की हेल्प करने की ठान ली है। बट गाइस एक बात आप सोच के देखो यार, कि अगर आप ये सब काम में ले रहे हो अपने असाइनमेंट्स पूरा करने के लिए तो फायदा किसका नुकसान किसका है ना। एट द एंड यार प्रोफेसर तो बेचारा तनख्वाह मिलती है उसको, वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन वो भविष्य आपका बिगड़ सकता है। तो AI को हम काम में ले अच्छी बात है, बट इस तरीके से नहीं यार। वैसे अगली खबर निकल के आती है भैया सीधा माउंटेन व्यू से, बोले तो गूगल के हेडक्वार्टर से। और यहाँ पे यार अगर हम बात करते हैं खबरों की ना, तो गूगल और पोर्शा दोनों मिलके ऐसे काफी चीजें कोलैबोरेट करने वाले हैं। और आपको पोर्शा की गाड़ियों में गूगल मैप्स, गूगल असिस्टेंट, ये सब एकदम ऐसे देखने को मिलेंगे इनके कॉकपिट में। मतलब ये जो है गूगल की पूरी ताकत पे भरोसा करते हैं और अपनी फ्यूचर वाली गाड़ियों में ये टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। म्यूजिक इसी के साथ भाई यहाँ पे भी जो गूगल है वो और नए ऑप्शंस लेके आ रहा है आपकी फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट करने के, बड़े आराम से, मतलब एकदम हैसल फ्री एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर आप अभी भी ई सिम को देख के कतराते हैं तो शायद अभी थोड़ी आसानी हो जाएगी। और गाइस अगर हम बात करते हैं आसानी की, तो गूगल बोलता है देखो भाई अगर आपके पास में एक आईफोन है, आप एयरटैग को काम में लेते हो, आपके लिए काफी आसानी हो जाती है अपने खोए हुए सामान को ढूंढने के लिए। बट व्हाट इफ यू आर ऑन एंड्रॉइड, तो देखो वैसे सैमसंग वगैरह के तो आते ही हैं, टाइल वगैरह के आते ही हैं, बट अभी रिपोर्ट्स निकल के आती है कि गूगल जो है वो अपने खुद के वर्जन को डेवलप कर रहा है, विच वुड बी काइंड ऑफ सिमिलर लाइक एन एयरटैग। तो देखो कंपनीज हो या स्टूडेंट्स हो, चीटिंग तो सभी करते ही है, देखते हैं वैसे गूगल का एयरटैग कब तक मार्केट में देखने को मिलेगा। तो भाई है ना अगली खबर जो है वो वही है जिसके लिए आप कर रहे थे बेसब्री से इंतजार। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गेमिंग दुनिया के कुछ अपडेट्स के बारे में। और अगर हम बात करें गेमिंग की, तो BGMI इज द हॉटेस्ट कीवर्ड, लेकिन लगता है कि भैया अभी जो है इसकी गर्मी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, बिकॉज हम जो सुन रहे थे ना कि भाई देखो BGMI आ रहा है, आ जाएगा, आने वाला है, बात चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो लगता है कि भैया इट्स ऑल गोइंग डाउन द ड्रेन। बिकॉज रिपोर्ट्स के अगर हम माने तो ये जो भी डेट्स थी ना, कमिंग कब, कमिंग सून, कमिंग ये, हम सबने बताया यार, लेकिन वो लगता है कि सब फेक है। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है, तो आई थिंक वी ऑल नीड टू वेट फॉर सम टाइम कि क्राफ्टन की तरफ से हमको ऑफिशियली क्या अपडेट मिलता है और क्या डेट मिलती है BGMI के आने की। लेकिन देन अगेन यार कोटिंग सम गुड फ्रेंड्स, मैंने सुनी है ऐसी उड़ती उड़ती खबरें निकल के आ रही है कि शायद बहुत जल्दी बस अभी, मतलब अगेन फेक नहीं है भाई, बातें चल रही है यार, क्या कर सकते हैं, मतलब इट्स द अगेन बज वर्ड। तो मतलब लगता है कि शायद मिल जाएगा, बट कब मिलेगा कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर सर दोस्तों बात करते हैं इसी के अलावा, तो यहाँ पे जो इंडियन गेमिंग कंपनीज हैं वो भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि भाई डिस्टिंग्विश क्लियरली किया जाए कि वीडियो गेम्स क्या हैं और ये जो रियल मनी वाले गेम्स हैं क्या हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो यूजर्स को। बिकॉज कैसे आप जानते हैं बहुत सारे इंडिया में पॉपुलर गेम डेवलपर्स हैं, बहुत सारे गेम्स बन रहे हैं, बहुत सारे जो हैं फिर वो पैसे वाले गेम्स हैं,
पैसा लगाओ, एक का डबल, दो का चार, पांच का आठ, तो मतलब वो भी चल रहा है, बट देन अगेन देयर शुड बी अ क्लियर डिस्टिंग्विश यू नो डिस्टिंग्विशन बिटवीन देम, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो यार। और अगेन यू नो गवर्नमेंट की पॉलिसी है या यूजर्स हैं जो भी है, चीजें एकदम क्लियर रहे इन दोनों ही तरीके चीजों के लिए। जैसे अगर हम बात करते हैं टेक की ना, तो गाड़ियों में टेक घुसा हुआ है बहुत ज्यादा अच्छे से, और गाड़ियों में स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यहाँ पे भी जो अगली खबर है वो आती है असम के लिए, और रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो यार शायद ये पॉसिबिलिटी बनके आती है कि असम जो है वो इंडिया का पहला स्टेट बन सकता है 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने वाला साल 2025 तक। और अगर ऐसा हो गया तो भाई नॉर्थ ईस्ट जो हमारे इंडिया का पार्ट है वो ऑलरेडी इतना अच्छे से पोल्यूशन फ्री है, और वहां पे अगर हमने भैया हटा दिया यू नो ये सारी पेट्रोल डीजल गाड़ियों को, तो ईवीज की मदद से ये जो एकदम इतना अच्छा माहौल है वहां का उसको हम शायद और बेहतर प्रिजर्व कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं पोल्यूशन की जो इंडिया में यू नो मेजर सिटीज में चारों तरफ ही फैला हुआ है, तो आई थिंक ईवीज दे आर डेफिनेटली अ गुड सॉल्यूशन फॉर दिस राइजिंग प्रॉब्लम। देखो यूपीआई हम सभी के लिए ना एक सेवियर है एट टाइम्स की, मतलब आप सभी जानते हैं भैया मोबाइल फोन से सीधा दोस्त से पैसा लेना है कि देना है, सारे काम बड़े आराम से कर पाते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन। तो अब जो है खबर निकल के आती है कि NRIs फ्रॉम 10 डिफरेंट कंट्रीज दे कैन ऑल्सो यूज UPI यू नो फॉर डिफरेंट ट्रांजेक्शन। बहुत अच्छी बात है कि मतलब यू नो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और इंडिया से बाहर भी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल रुपे कार्ड जो है वो भी अभी बाहर एक्सेप्ट किया जाने लगा है कुछ कुछ जगहों पे, तो ये एक बहुत अच्छा मेरे ख्याल से यू नो पोटेंशियल है यू नो यूपीआई के लिए यूज केस है कि जैसे ही चीज इंडिया में हमने यूज करनी स्टार्ट करी है वैसे ही अब ये ग्लोबली और जगहों पे भी जो है वो लोग यूज कर पाएंगे। भाई अगला WTF हो गया है उन सभी लोगों के साथ में जो चला रहे थे कुछ यूट्यूब चैनल्स को, और इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे 6 यूट्यूब चैनल्स को डिलीट कर दिया है सीधा भारत सरकार ने, बिकॉज खबरें जो है वो झूठी फर्जी बना के प्रोड्यूस करके फैलाई जा रही थी यू नो अक्रॉस वेरियस डोमेन्स। भैया सब मोह माया है। यहाँ दोस्तों मजे की बात की जो चैनल्स हैं इनपे कंबाइंड 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे और इनकी वीडियोस को 51 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया था। तो सोचो यार कितने मासूम लोगों को फेक इन्फॉर्मेशन मिली होगी यू नो ऑन वेरियस थिंग्स। तो अभी के लिए सरकार ने तलवार चला दी है और इन चैनल्स को डिलीट कर दिया बिल्कुल एक्सपोज करते हुए। और वैसे मैं तो चाहता हूँ भाई कि YouTube खुद, Facebook खुद या यू नो ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुद भी एक बार को मॉनिटर करें यू नो अपने कंटेंट को, बिकॉज इंटरनेट पे आज भी बहुत बार आपको आधा अधूरा और नकली झूठा ज्ञान दिखने को मिलता है। तो गाइस देखो इन्फॉर्मेशन सही गलत चारों तरफ भैया फैली पड़ी है, लेकिन आप अगर देखते हैं हमारे वीडियोस तो आपको मिलेगी हमेशा के लिए एकदम सही सटीक एकदम संपूर्ण जानकारी। तो आप भी भैया संपूर्ण काम कर दो ना वीडियो को देखने के बाद में, लाइक शेयर कर दो, कर लो सब्सक्राइब हमारे चैनल को। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।